हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में मेथड्स ऑफ बैच पेमेंट में देखेंगे थर्ड मेथड जो कि है इंसेंटिव स्कीम मेथड। इसमें हम जानेंगे किस तरह से इस मेथड को फॉलो किया जाता है, इस स्कीम को फॉलो किया जाता है किसी भी वर्कर को वेजेस पेमेंट करते टाइम। बात करते हैं टाइम रेट सिस्टम की या फिर पीस रेट सिस्टम की, तो उस पर मैंने वीडियो बना दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके थ्रू आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे इंसेंटिव स्कीम को किस तरह से फॉलो किया जाता है इस सिस्टम को और वर्कर्स को वेजेस पे किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं हेल्से प्रीमियम स्कीम। इसमें जो फर्स्ट नेम आता है वो है हेल्से प्रीमियम स्कीम। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो हेल्से हैं उन्होंने ही ये जो इंसेंटिव स्कीम है ये उन्हीं के द्वारा लाई गई थी, जिसमें प्रीमियम बोनस मेथड्स आ जाते हैं। फर्स्ट है हेल्से प्रीमियम स्कीम, सेकेंड हेल्से वेयर स्कीम एंड रोवन प्रीमियम स्कीम। तो पहला यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं हेल्से प्रीमियम स्कीम, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए विजिटर हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन से मिलती रहें। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मोटिवेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर, हेल्से प्रीमियम स्कीम क्या है, किस तरह से आया और कौन लेकर आया इसे, ठीक है। तो F.A. हेल्से एन अमेरिकन इंजीनियर इन्वेंटेड दिस प्लान इन 1891। सबसे पहले इस स्कीम को जो लेकर आए थे उनका नाम है F.A. हेल्से, जो कि एक अमेरिकन इंजीनियर थे, उनके द्वारा इन्वेंट किया गया था ये प्लान, मीन्स लाया गया था, एग्जिस्टेंस में आया उनके द्वारा। एंड थोड़ा सा हम देखते हैं इस स्कीम के फीचर्स के बारे में कि क्या फीचर्स होते हैं इस स्कीम का, फीचर्स ऑफ द हेल्से मैथड, ठीक है ना। तो जो भी हेल्से थे उनके क्या मतलब इस स्कीम का क्या फीचर था, स्टैंडर्ड टाइम एंड प्री डिटर्मिनेशन ऑफ वर्क। अगर हम बात करते हैं हेल्से स्कीम की, तो इसमें क्या होता था, इस प्रीमियम स्कीम में ये होता था कि जो भी टाइम होगा कि कितना टाइम काम करना है और जो भी और कितना काम करना है, कितने टाइम में कितना काम करना है, ये पहले से क्या होता था, पहले से डिसाइड होता था, पहले से डिटरमाइन होता था, निर्धारित होता था ये चीज़, ठीक है। अश्योरेंस ऑफ मिनिमम वेजेस, किसी भी वर्कर के लिए एक मिनिमम वेजेस, पहले से मिनिमम वेज मिलेगा इस बात का उन्हें आश्वासन दे दिया जाता था कि वर्कर्स को इतना कम से कम वेजेस मिलेगा ही मिलेगा। नॉन रिसीट ऑफ इंटरेस्ट टिल द अफेक्टेड प्रोडक्शन, जो भी उनका इंटरेस्ट या जो प्रीमियम अमाउंट है, आप इंटरेस्ट और प्रीमियम एक तरह से ले सकते हैं, ठीक है। जो भी प्रीमियम अमाउंट मिलेगा किसको, वर्कर्स को, वो तब तक इफेक्टेड नहीं होगा जब तक कि उत्पादन इफेक्टेड नहीं होता है। मीन्स अगर एक स्टैंडर्ड प्रोडक्शन डिसाइड किया गया है कि इतना स्टैंडर्ड प्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक, अगर वो उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तभी उनके प्रीमियम अमाउंट पर फ़र्क पड़ेगा, अदरवाइज फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। एंड द सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर, प्रीमियम एट अ फिक्स्ड परसेंटेज बेस्ड ऑन द टाइम रिमेनिंग। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रीमियम की, तो जो प्रीमियम दिया जाता था ना, एक प्रतिशत के, एक निश्चित प्रतिशत के हिसाब से दिया जाता था, तब जब बचे हुए समय के आधार पर काम निकलता था तो वो चीज़ उनको दी जाती थी, बचे हुए समय के आधार पर निश्चित प्रतिशत से वो प्रीमियम अमाउंट पे किया जाएगा, ये चीज़ भी आ जाती है इसमें। वॉलंटियरिंग की बात करें तो ये ऐच्छिक होता है, जो श्रमिक होते हैं ना उनके लिए ऐच्छिक होता है, जितना भी वो जो भी कार्य करते हैं वो अलग अलग उसके लिए प्रीमियम अमाउंट पहले से डिसाइड होता है, मतलब निकालने के लिए, ठीक है। तो जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं अपनी इच्छा से, तो वो अपना प्रीमियम अमाउंट अपनी मर्ज़ी से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले से डिसाइड होता है कि उनको कितने कितने टाइम में कितना काम करने का, कितना प्रीमियम अमाउंट पे किया जाएगा, वेजेस मिलेगा, तो वो इस मेथड से ये सारी चीज़ें जान सकते थे। तो ये फीचर्स मिल जाते हैं किस मेथड में, बोनस प्रीमियम मेथड में, जिसमें पहला है हेल्से प्रीमियम स्कीम, और ये हेल्से प्रीमियम स्कीम के फीचर्स हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, फॉर्मूला अंडर हेल्से प्रीमियम स्कीम। जो भी हेल्से प्रीमियम स्कीम है उसके अंदर किस फॉर्मूले को फॉलो करके प्रीमियम अमाउंट या टोटल जो वेजेस अमाउंट होता है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। टोटल वेजेस इक्वल टू टाइम टेकन इनटू आर्ली रेट। टाइम टेकन मीन्स जितना टाइम आपने लिया है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई बाय आर्ली रेट, मीन्स एक घंटे का क्या रेट है वो, प्लस परसेंटेज ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम कितना उन्हें मिलेगा उतने टाइम ड्यूरेशन का, ठीक है, वो परसेंटेज लेंगे, देन
अब प्रीमियम, यहाँ पर प्रीमियम को फाइंड करने के, परसेंटेज ऑफ प्रीमियम को फाइंड आउट करने के लिए क्या किया गया, टाइम सेव्ड इनटू आर्ली रेट। आप ये फॉर्मूला फॉलो कर सकते हैं प्रीमियम को फाइंड आउट करने के लिए, या फिर जो भी आप वेजेस फाइंड आउट करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है। तो टोटल वेजेस का ये फॉर्मूला है किसके अंदर, हेल्थ से प्रीमियम स्कीम के अंदर, ठीक है। मेरिट्स ऑफ हेल्थ से प्रीमियम स्कीम देख लेते हैं। सिंप्लिसिटी, बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही आसानी से आपने ऊपर देखा कि निकल आया, कैलकुलेशन हो गया, ठीक है, वेजेस का तो सिंपल होता है, ठीक है। अश्योरेंस ऑफ मिनिमम वेजेस, जैसा कि बताया कि जो भी वर्कर्स होते हैं उनको इस बात का आश्वासन दिया जाता है कि आपको मिनिमम अमाउंट पे किया जाएगा वेजेस के तौर पर, ठीक है, मतलब कम से कम मजदूरी आपको दी जाएगी। बेनिफिशियल फॉर बोथ द क्लासेस मींस पार्टीज, जो भी वर्कर हैं या जो भी ओनर है उन दोनों के लिए क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, ठीक है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है, बेनिफिशियल होता है, ठीक है। ज़्यादा मतलब अनावश्यक कार्य भार नहीं पड़ता है वर्कर्स पर, और ना ही जो नियोक्ता है वो प्रेशर करते हैं अपने वर्कर्स को, ठीक है। कन्वीनियंस द अडॉप्टिंग, आसानी से इसको अडॉप्ट किया जा सकता है, मीन्स अपनाने में सुविधा होती है कि जो भी चीज़ें होती हैं, जिससे पर कोई भी चेंजेस किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको इजीली एक्सेप्ट किया जा सकता है इस मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है। गुड साइकोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें यहाँ पर, तो जो भी आपके वो मतलब जो वर्कर्स हैं जिनको इस स्कीम के अंदर बोनस बचाए हुए समय के आधार पर दिया जाता है, ठीक है ना, जितना समय उन्होंने बचाया है उसके हिसाब से उनको बोनस पे किया जाता है, तो ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा उनका जो मतलब मेंटल स्टेटस होता है या जो साइकोलॉजी होती है उनकी, वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो मतलब किसी तरह उन पर कोई दबाव नहीं होता है कि हाँ कि आपको काम करना ही करना है या नहीं करना है, वो जितने टाइम के हिसाब से काम करते हैं ज़्यादा या कम उसके हिसाब से उनको मिनिमम वेजेस तो मिलता ही मिलता है, साथ में बोनस प्लस प्रीमियम अमाउंट भी मिलता है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उन्हें मोटिवेट करती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं डीमेरिट्स ऑफ हेल्थ से प्रीमियम स्कीम। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ फॉल्टी असेसमेंट ऑफ पैरामीटर्स। फॉल्टी असेसमेंट ऑफ पैरामीटर्स की बात करें तो यहाँ पर समय मान, समय और गति का जो होता है ना, मतलब स्टडी करना थोड़ा सा जो होता है वो मुश्किल हो जाता है कि किस गति से कितने समय में किस पर्सन ने काम किया है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाती है इस सिस्टम में कि जो पैरामीटर्स होते हैं उनको असेस नहीं किया जा पाता है आसानी से, ठीक है, जब स्टैंडर्ड पैरामीटर्स होते हैं तो एक होना चाहिए ऐसा कुछ। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ नेगलिजेंस अमंग वर्कर्स। जो भी वर्कर्स हैं, ठीक है ना, उनके क्या होता है, श्रमिकों में लापरवाही की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लापरवाही मतलब नेगलेक्ट करने लगते हैं चीज़ों को, ठीक है, इग्नोर करने लगते हैं चीज़ों को, मतलब काम पे उतना ध्यान नहीं देते हैं क्या बिगड़ रहा है क्या बन रहा है, थोड़ा सा ये चीज़ भी आ जाती है। अब बात करते हैं हम डिफ़िकल्टी की। डिफ़िकल्टी इन फोरकास्टिंग लेबर कॉस्ट। फोरकास्टिंग लेबर कॉस्ट का मतलब है, लेबर मीन्स जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको आप जो पैसे दे रहे हैं वो होती है आपकी लेबर कॉस्ट, ठीक है। एक लेबर को आप कितना वेज पे करते हैं, ठीक, उस लेबर कॉस्ट की फोरकास्टिंग मीन्स पहले डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बताया ना कि टाइम के हिसाब से और काम के हिसाब से उनको पैसे दिए जाते हैं, तो पहले डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो कितना काम करेंगे, किस स्पीड से काम करेंगे, ये नहीं हो पाता है पहले से डिसाइड। तो थोड़ा सा फोरकास्टिंग लेबर कॉस्ट डिफ़िकल्ट होती है कि पहले से हम डिसाइड कर लें कि हाँ इस लेबर को हमें इतना देना पड़ेगा, वो तो उसके काम पे डिपेंड करता है, जब काम करेगा तभी पता चलेगा कितना पे करना है, ठीक है। ऑब्जेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़ की बात करें तो जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो आपत्ति दिखाना, आपत्ति जताने लगते हैं, मीन्स ऑब्जेक्शन उठाने लगते हैं कि सही है या नहीं है चीज़ों को लेकर के, तो ये चीज़ भी आ जाती है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ लॉस टू द एम्प्लॉयर बाय एम्प्लॉय। अब जो भी एम्प्लॉयर है, मतलब जिसका ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका बिजनेस है, उनको बहुत ज़्यादा लॉस होता है, किसके द्वारा, एम्प्लॉयज़ के द्वारा। एम्प्लॉय बहुत ऐसी कुछ हरकतें कर जाते हैं जिसकी वजह से जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या ओनर है, एम्प्लॉयर है, उनको बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल होती है, लापरवाही होने की वजह से लॉस हो जाता है उन्हें, ठीक है। तो ये मेरिट्स डीमेरिट्स एंड कुछ पॉइंट्स थे हेल्थ से प्रीमियम स्कीम से रिलेटेड। तो ये कुछ फीचर्स रखता है हेल्थ से प्रीमियम स्कीम। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ देखते हैं हेल्थ से इसी बोनस प्रीमियम स्कीम में ही, सेकेंड पॉइंट इज़ हेल्थ से वेयर स्कीम। ये भी मिस्टर हेल्थ से नहीं दिया था, देख लेते हैं किस तरह से उस स्कीम से थोड़ा सा ये डिफरेंट है, ठीक है।
दिस स्कीम इज सिमिलर टू हेल्थ स्कीम, जो भी आपने हेल्थ स्कीम अभी पढ़ा उसी के जैसा है, सिमिलर है। अब क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। एक्सेप्ट दैट इन दिस स्कीम द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स शेयर्स द प्रीमियम इन 1:2 रेशियो। इस स्कीम में क्या होता है, जो भी प्रीमियम अमाउंट होगा ना, वो वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स दोनों में, दोनों का जो शेयर होगा वो 1:2 रेशियो में बांटा जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा प्रीमियम अमाउंट आता है वो 1:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये किसकी, ये किस में आ जाता है आपका, वेय स्कीम में, ठीक है ना। दिस स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई जी एंड जे वेयर लिमिटेड इन ग्लासगो। तो ये जो आपकी स्कीम थी इंट्रोड्यूस की गई थी जी ए जे वेयर लिमिटेड के द्वारा। तो ये पॉइंट मीन्स सेम है, दोनों ही स्कीम सेम है, बस डिफरेंस ये हो जाता है कि जो भी इस स्कीम के थ्रू प्रीमियम अमाउंट होगा वो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में उनका जो शेयर होगा वो 1:2 रेशियो में मिलेगा उन्हें, ठीक है ना, प्रीमियम शेयर। अब बात करते हैं रोवन प्रीमियम स्कीम की। तो इसे लेकर आए थे मिस्टर जेम्स रोवन, इंट्रोड्यूस्ड दिस स्कीम इन ग्लासगो इन 1898। तो मिस्टर जेम्स रोवन ने ही इसे इंट्रोड्यूस किया था 1898 में। इट इज़ सिमिलर टू हेल्थ स्कीम, तो ये भी हेल्थ स्कीम की तरह ही है, सेम है, बट द प्रीमियम कॉन्सेप्ट हेयर इज़ डिफरेंट। लेकिन जो प्रीमियम को फाइंड आउट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हेयर द प्रीमियम इज़ इन द रेशियो ऑफ टाइम सेव टू स्टैंडर्ड टाइम। यहाँ पर जो प्रीमियम होता है ना, प्रीमियम का जो रेशियो फाइंड आउट किया जाएगा वो टाइम कितना आपने बचाया है और कितना स्टैंडर्ड टाइम उसमें लगा है, इसके आधार पर फाइंड आउट किया जाता है। सो टोटल वेजेस इक्वल टू टाइम टेकन इंटू आर्ली रेट प्लस टाइम सेव्ड डिवाइड बाई स्टैंडर्ड टाइम इंटू टाइम टेकन इंटू आर्ली रेट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला फॉलो किया जाएगा रोवन प्रीमियम स्कीम में। तो रोवन प्रीमियम स्कीम भी उसी की जैसे ही है, बस थोड़ा सा यही डिफरेंस होता है किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा। अब इसमें हम इसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देख लेते हैं। मेरिट्स ऑफ रोवन प्रीमियम स्कीम, एश्योरेंस ऑफ मिनिमम वेजेस। मेरिट्स की बात करें, गुणवत्ता की बात करें या इसके मतलब उसकी बात करें अच्छे पॉइंट्स की, तो यहाँ पर भी मिनिमम वेजेस दिया जाता है वर्कर्स को। साइंटिफिक बेसिस ऑफ प्रीमियम की बात करें, तो यहाँ पर एक वैज्ञानिक तरीके को फॉलो किया जाता है प्रीमियम को पे करते टाइम या प्रीमियम को फाइंड आउट करते टाइम, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयर की बात करें, तो जो भी मालिक है, ओनर है ऑर्गेनाइजेशन के, एम्प्लॉयर हैं, उनकी यहाँ पर क्या होती है, प्रोटेक्शन हो जाती है। मीन्स यहाँ पर लापरवाही नहीं कर सकते आपकी जो भी वो हैं, ठीक है ना, एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट बात करते हैं डीमेरिट्स की। लैक ऑफ मोटिवेशन आफ्टर अ लिमिट एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी वर्कर्स हैं वो मोटिवेटेड नहीं रह पाते हैं और बहुत ही मतलब कैलकुलेशन करने में, प्रीमियम अमाउंट को फाइंड आउट करने में बहुत मुश्किल होती है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स थे किससे रिलेटेड, रोवन प्रीमियम स्कीम से रिलेटेड और हेल्थ से प्रीमियम स्कीम से रिलेटेड। मुझे यकीन है आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाएँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।